आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चीजी यमी पास्ता की रेसिपी, जो बिल्कुल क्रीमी है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। साथ में ये रेसिपी इतनी आसान है कि घर पे चुटकियों में हम बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल इंडियन फूड रेसिपीज वर्ल्ड में, जहाँ हम बनाते हैं देसी स्टाइल में काठियावाड़ी तड़का। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही नई नई और प्यारी सी रेसिपीज चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम सब्जियां पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर लिया है, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो मैंने बहुत ही जुगाड़ू कम समय में बनने वाला बटर का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे देखकर बना सकते हो। बिल्कुल बाजार जैसा ही वो बटर लगेगा और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा। जैसे ही हमारा ऑयल या बटर जो है वो गर्म हो जाए, उसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। बहुत ही साधारण जैसा इसको क्रश किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको चॉप नहीं करना है, उसके जो दाने हैं वो खाने में आने चाहिए। साथ में इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज की क्वांटिटी या फिर सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से या फिर अपनी चॉइस से ले सकते हो, पर इसमें जो प्याज है, कॉर्न है, फिर कैप्सिकम है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। किसी सब्ज़ी को हमें बहुत अच्छे से पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा इस तरह से पकाना है कि इसका कच्चापन या कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। फिर यहाँ पर जो लाल मिर्च आती है बहुत ही टेस्टी लगती है, वो भी डाल दी है, और साथ में डाल दी है कैप्सिकम, साथ में कॉर्न डाले हैं। ये फ्रोज़न कॉर्न है, आप चाहो तो फ्रेश भी ले सकते हो, अलग से इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब्जियों के साथ अच्छे से पक जाएंगे। आगे जैसे मैंने कहा, सब्जियों को हमें गलाना या पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दिया था, साथ में हम डाल देंगे ओरेगानो और चिली फ्लेक्स, मिक्स करके साइड में रख देना है। अब हम तैयारी करते हैं हमारे पास्ता कुक करने की। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 लीटर जितना पानी लिया हुआ है। पास्ता जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, नया पुराना इस तरह से होता है, तो इसके पकाने की जो विधि है, मतलब जो टाइम है, वो भी अपने हिसाब से होना चाहिए। कम से कम 5 से 7 मिनट में पास्ता जो हमारा है वो पक जाएगा। यहाँ पर पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक मिला दिया है। एक उबाल आने के बाद ही हमें पास्ता को इसमें डालना होगा। याद रखिएगा, ठंडे पानी में बिल्कुल पास्ता को हमें नहीं मिलाना होगा। जैसे ही आपको लगे एक उबाल आ चुका है, हम हमारा जो पास्ता है इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी का यूज़ किया है, आप चाहो तो कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हो। अब एक बार इसको मिक्स कर देंगे और इसको ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा पास्ता पकने लगेगा वो साइज़ में डबल हो जाएगा, बेसिकली वो फूल जाएगा, तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि पास्ता जो है वो कुक हो चुका है, या तो फिर जैसे हम इसको तोड़ेंगे वो बहुत अच्छे से टूट जाएगा। और हमारा जो ये पास्ता है यहाँ पर कुक होकर रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको अच्छे से स्टेयर कर देंगे, और अगर आप चाहो, आपको ऐसा लगे कि हमारा जो पास्ता है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो चुका है, तो आप इसमें ठंडा पानी मिला दीजिएगा। पर मेरा पास्ता जो है वो परफेक्टली कुक है, तो मैं इसमें ठंडा पानी नहीं मिलाऊंगी, और जो पानी बचा हुआ है उसको भी मैं बाद में यूज़ करने के लिए छोड़ दूंगी। ये पानी हमें चाहिए ही चाहिए, तो आप इस पानी को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और वो हमें हमारे पास्ता की बाइंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बनाते हैं व्हाइट सॉस। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है, उसमें 2 चम्मच जितना बटर डाला हुआ है। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल का यूज़ करिएगा। ये 2 ही ऑप्शंस है जो पास्ता को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। अब हमारा जो बटर है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, हम जितना बटर लेंगे उतना ही हमें मैदा लेना है। तो अगर आपने 2 चम्मच बटर लिया है तो 2 चम्मच जितना ही मैदा ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे जो व्हाइट सॉस है वो बहुत अच्छा बाइंडिंग देगा। अच्छे से इसको बहुत ही स्लो गैस पर हमें पकाना होगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आने लगेगी। उसके बाद हमें इसमें दूध डालना होगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, और हमें व्हाइट सॉस बनाने के लिए इस तरह का स्पैचुला ही चाहिए होगा, विस्कर चाहिए होगा। इसके बिना जो व्हाइट सॉस है वो अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें लम्स पड़ने लगेंगे। अब धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पर 1 बड़ा ग्लास जितना दूध डाला हुआ है।
अगर माप में देखें तो 200 ml जितना दूध डाला हुआ है। अच्छे से इसको मिलाते रहिए। फिलहाल हम दूध में कुछ भी नहीं डालेंगे, एक उबाल आने तक उसको पकने देंगे। जैसे ही आपको लगे एक उबाल आने लगा है, थोड़ा सा दूध जो है वो गाढ़ा होने लगेगा और उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है मिल्क पाउडर। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चीज़ी होता है, मिल्की होता है, क्रीमी होता है, तो उसके लिए हम जितना चाहे उतना मिल्क वाला जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा चम्मच जितना मैंने मिल्क पाउडर डाला हुआ है, वो 10 रुपये का बहुत आसानी से मार्केट में मिल्क पाउडर का जो पैकेट है वो मिल जाएगा आपको। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, पर मिल्क पाउडर यूज़ करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ में मैंने यहाँ पर डाला है प्रोसेस चीज़, ये 2 क्यूब्स जो आते हैं मार्केट में वही है। इसको अच्छे से घिस लिया है और इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और गाढ़ा करना है हमें, तो थोड़ी देर के लिए इसको पकाना ज़रूरी होगा। जैसे ही एक उबाल आए या पकने लगे, हम उसमें हमारे जो मैक्रोनी है वो डाल देंगे। अभी मैंने और कोई भी मसाला नहीं डाला है, बस इस ग्रेवी में हमें मैक्रोनी मिलानी है या तो फिर हमारे कोई भी जो पास्ता है, स्पैगेटी है, वो मिलानी है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और साथ में जो सारा हमारा क्रीमी टेक्स्चर है वो पास्ता में आ जाना चाहिए। जैसे ही आपको लगे अच्छे से हमारे पास्ता और क्रीम मिल चुका है, हम उसमें हमारी जो सब्जियां पकाई हुई थी वो डाल देंगे। हमने सब्जियों में पहले ओरिगानो और चिली फ्लेक्स डाला हुआ है, अब हम बाकी के इसमें मसाले करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ। पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है ओरिगानो और चिली फ्लेक्स, जो कि हमारे वाइट सॉस के हिसाब से मैंने डाला हुआ है। उसी के साथ मैंने डाला हुआ है काली मिर्च का पाउडर, और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बता रही थी वो है थोड़ा सा जायफल का पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, रेस्टोरेंट वाले भी यूज़ करते हैं। साथ में नमक, जो कि स्वाद अनुसार होगा, हमने आगे भी नमक का यूज़ किया है, बटर का यूज़ किया है, बहुत ध्यान से करिएगा। साथ में डाल दिया है मैंने फ्रेश क्रीम, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देगा, आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हैलापिनोस भी डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे भी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अगर इस स्टेज पर लगे कि आपका जो पास्ता है या मैक्रोनी है वो बहुत गाढ़ी हो चुकी है, इसमें क्रीमी टेक्सचर नहीं रहा है, तो हमने जो स्टार्च वाला पानी बचा कर रखा था, अब इस स्टेज पर हमें डालकर थोड़ी देर के लिए इसको पकाना होगा और हमारा जो क्रीमी पास्ता होगा वो तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें आप चीनी भी मिला सकते हो, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जितनी चीनी मिला दीजिएगा। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, अनलिमिटेड में हमें सैलड मिलता है, वो लोग चीनी का बिल्कुल यूज़ करते हैं, तो अगर आपको वही चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हो और ठंडा करके इसको सर्व कर सकते हो। और हमारा जो टेस्टी यमी क्रीमी पास्ता है वो तैयार है। चीज़ और क्रीम आप अपने हिसाब से दिल खोल कर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो, रेसिपीज, सारी चीज़ें जो पसंद आई हो कहीं भी, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हो तो। और अगर आपको नई नई रेसिपीज़ जाननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।